नूरपुर पब्लिक स्कूल के 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र अनमोल शर्मा पुत्र पंकज शर्मा ने अपनी प्रतिभा की शुरुआत ब्लॉक स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता से की। उसमें विजय प्राप्त करके अनमोल शर्मा ने अपने स्कूल व माता पिता का नाम रोशन किया। उसके बाद उसने इसी प्रकार का प्रदर्शन करते हुए जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी बाजी मारी। अब अपने विजय रथ को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आंध्र प्रदेश जा रहा है। स्कूल के निदेशक अरविंद डोगरा ने कहा कि अनमोल शर्मा हमारे स्कूल का बहुत ही होनहार छात्र है। वह पिछले 3 सालों से स्कूल में बैडमिंटन खेल रहा है तथा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हमारी इच्छा है कि अनमोल राष्ट्रीय स्तर पर भी जीत कर अपने स्कूल का नाम रोशन करे। ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा हार्ड वर्किंग बॉय है। पिछले 3 साल से स्कूल में बैडमिंटन खेल रहा है और इसका एक साथी है मोहित, दोनों ने भी बड़ा अच्छा खेलते हैं ये। और आई विश हिम अ वेरी गुड लक एंड नेशनल जीत के आए वो, ये हमारी आशा है। नूरपुर के SDM आवेद हुसैन सादिक ने कहा कि हमारे नूरपुर के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि अनमोल शर्मा राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेलने जा रहा है। ये बहुत ही होनहार है तथा आज प्रशासन की तरफ से उसे सम्मानित कर राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए भेजा जा रहा है। हम कामना करते हैं कि वह नूरपुर में गोल्ड लेकर आए। फख्र की बात है कि हमारे शहर से एक लड़का जो नूरपुर स्पोर्ट्स क्लब का लड़का जो नेशनल खेलने जा रहा है अनमोल, तो ये हम सबके लिए फख्र की बात है। लड़के ने बहुत मेहनत की है तो हमने प्रशासन और नूरपुर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से उसको आज सम्मानित भी किया है और हम आशा करते हैं और प्रे करते हैं कि वो वहाँ से नेशनल जीत के आए। तो हम सबका सपोर्ट है इनके साथ। लड़की ने बड़ी मेहनत की हुई है, अभी तक जो है उनके पेरेंट्स ने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की हुई है, तो हम यही चाहेंगे कि वो वहाँ से गोल्ड लेकर आए और नूरपुर की जो है शोभा बढ़ाए।